फोन फिक्स हैदराबाद एचिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स एंड न्यू वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हम यहां पे बात करने वाले हैं प्रग्मा फिक्स की। ये इसका अपडेट सेटअप है और प्रग्मा फिक्स का जो मेन सेटअप होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके रन कर दूंगा मैं। और रन करने के बाद हम चेक करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मेल आईडी डालना होगा, यहाँ पे पासवर्ड, इसके बाद इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ पे ओपन नहीं होगा आपका, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो प्रग्मा फिक्स का आ चुका है लेटेस्ट अपडेट, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले नया वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और ओपन करते हैं गूगल क्रोम। प्रग्मा फिक्स लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है अभी, इनकी वेबसाइट में जाते हैं और यहाँ पे डाउनलोड में तो ऑलरेडी है, चेक करते हैं। चलिए यहाँ पे बता रहा है वर्जन 6.1, चलिए इसी को डाउनलोड करते हैं। और ये डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। और ये जो वर्जन है, ये वर्जन 6.01 है, जो कि अभी लेटेस्ट वर्जन है। चलिए ये हो चुका है डाउनलोड, यहाँ पे इसको रन करके एक्सट्रैक्ट कर देंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं इसका ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब हम रन करेंगे इसी को, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, रन प्रग्मा फिक्स कर देंगे, इसको बंद कर देंगे सारा टूल्स। यहाँ देख सकते हैं ये मेल आईडी पासवर्ड मांगेगा, तो हमें डाल देना है सिंपलसी फोन फिक्स एच वाई डी @gmail.com। उसके बाद पासवर्ड डालना है आपको, पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड और ये वाला आपको डालना है, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रग्मा फिक्स हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पे कंटेंट आना चाहिए, ये देख सकते हैं ये कंटेंट आ चुका है। तो लेटेस्ट सेटअप इसको इंस्टॉल करना होगा, पुराने वाले से भी काम नहीं करेगा आपको। तो 27 अप्रैल में इन्होंने यहाँ से ऐड की है मोबाइल स्कीमेटिक डायग्राम सैमसंग N100 का और एक सैमसंग J106 हार्डवेयर सोल्यूशन सैमसंग का ऐड किया, हार्डवेयर सोल्यूशन जेनफोन। इसके अलावा इनके पूरे हर रोज अपडेट आ रहे हैं प्रग्मा फिक्स का, अगर आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं। चलिए इसमें आपको तीनों चीजें मिल जाएगी, जैसा कि यहाँ पे मोबाइल के सर्विसेज में यहाँ पे आपको स्कीमेटिक डायग्राम है, उसके बाद यहाँ पे बिट मैप मिलेंगे आपको। बिट मैप आप देख सकते हैं वीवो के भी काफी सारे इन्होंने बिट मैप डाल रखे हैं, क्योंकि डायग्राम नहीं होते हैं तो मीडियाटेक और क्वालकॉम सारा इसमें मिल जाता है आपको लाइन वगैरह ट्रेस करने के लिए। हार्डवेयर सोल्यूशन भी बहुत कुछ इन्होंने डाला है, डायोड मोड टेस्ट मोड के बारे में इन्होंने बताया है, तो ये भी एक अच्छा टूल है लैपटॉप वगैरह के लिए भी है। और यहाँ पे मैं हार्डवेयर सोल्यूशन में आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि MI के कुछ मॉडल में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेटेस्ट में एक सेट ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए Redmi 9 है लेते हैं, Redmi 9 है। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या डाला है इसमें। ये सर्किट डायग्राम है, Redmi 9A का, और यहाँ पे देखिए हाफ आपको डायग्राम दिख रहा है। इसका डायग्राम
हार्डवेयर सॉल्यूशन में और कोई दूसरा मॉडल लेते हैं, ये देख सकते हैं Redmi 9A। ये ऑडियो सेक्शन, तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीमीटर भी दिए हैं, अलग अलग मल्टीमीटर आप अगर यूज कर रहे हैं तो ये देख सकते हैं ये लाइन कहाँ से ऑडियो की लाइन आ रही है, कहाँ से पॉजिटिव सप्लाई आउट हो रही है, नेगेटिव सप्लाई हो रही है, ये स्पीकर की सप्लाई कौन से कनेक्टर पे आ रही है, इस तरह से एक एक सिंगल सिंगल लाइन को इन्होंने बताया है। ये हेडफोन के लिए है, सॉरी रिसीवर के लिए है, ये माइक के लिए है। तो ये देख सकते हैं आप, अगर पावर की सप्लाई अगर आपको देखनी है तो इस तरह से पावर की सप्लाई देख सकते हैं आप कहाँ कहाँ पे जा रही है, ये देख सकते हैं वॉल्यूम डाउन की सप्लाई है ये, जो कि सीधा सीपीयू से आ रही है। अगर वॉल्यूम अप की सप्लाई अगर देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप की सप्लाई पहले यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए घूमते हुए फिर सीपीयू से आ रही है। और अगर पावर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में एक सीरीज में कोई कंपोनेंट है, उसके बाद ये पावर एसी में जा रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एक लाइन यहाँ पे टेस्ट पॉइंट पे भी जा रही है इसका, तो इस तरह से लाइन ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग मल्टीमीटर दिया है, अगर यहाँ पे अगर आपके पास सनशाइन का मल्टीमीटर है तो यहाँ पे इतना 430 का जीआर आएगा, फ्लुक का है तो 400 आएगा, और जोएटेक का है तो 432 आएगा, और सैनवा का है तो आपको 250 के आसपास रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ पे मल्टीमीटर भी इन्होंने अलग अलग दिए हैं आपको चेक करने के लिए कि कौन सा मल्टीमीटर आपके पास है। अगर बात करें यूएसबी चार्जिंग सेक्शन की बात करें, क्या क्या लाइन्स इन्होंने बताई है देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं वीबैट की जो सप्लाई है, आपकी बैटरी कनेक्टर की जो सप्लाई है यहाँ से आपकी हो करके इस तरह से चार्जिंग एसी एन की बीक्यू एसी। यहाँ से देखिए वीपीएस लाइन है और बैट ऑन बैटरी थर्मल लाइन हमारी, और ये है बैटरी आईडी लाइन जो कि सीपीयू के साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पे टेस्ट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। डीएम डीपी की सप्लाई अगर देखें आप तो दोनों भी सीपीयू में जा रही है, यूएसबी की सप्लाई। और 5 वोल्ट जो कि चार्जर से इन होते हैं हमारे, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे भी वही मल्टीमीटर के अलग अलग वैल्यू आएगी आपको 400 के आसपास सनशाइन सलूट के। तो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन में इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा कुछ अपडेट दिया है, तो ये भी एक अच्छा आपके लिए प्रग्माफिक्स एक अच्छा टूल है। अगर बात करें यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे भी इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर डाटा शीट की बात करें, मीडिया टेक कॉलकॉम और एमएमसी की डाटा शीट है इन्होंने दी है। चलिए एमएमसी का यहाँ पे देखते हैं, बीजीए कोई 221 वाला एमएमसी खोलते हैं या कोई एक एमएमसी खोल कर चेक करते हैं। माइक्रोन का एमएमसी है, DDR2 है, चलिए यहाँ पे एक सैंडिस्क का एमएमसी है, बहुत सारे एमएमसी है देख सकते हैं, इनका डाटा शीट इन्होंने दिया है। इंटरनल स्ट्रक्चर होता है आईसी के अंदर कैसे काम कर रही है सब कुछ। ये 153 का एमएमसी है, तो कौन से पिन एमसी है, कौन से ग्राउंड है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसमें। ये वोल्टेजेस की लाइन है, वीएसएस ग्राउंड की लाइन है, उसके अलावा अगर डाटा शीट की बात करें तो एक कॉलकॉम सीपीयू में देखते हैं, कॉलकॉम में देखते हैं यहाँ पर पीएम 660 660L पीएम 8004, ये भी बहुत ज्यादा फॉल्टी आती है इसी, तो 8004 जो रैम वगैरह के लिए वोल्टेजेस बनाती है इसको भी देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये पैड्स का डिफिनेशन है, कहाँ पे कौन सी सप्लाई आ रही है। इसके अलावा अगर पावर 660 की बात करें तो ये देख सकते हैं ये पावर आईसी कैसे काम कर रही है, ये पावर आईसी के पैड्स है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली जूम करके भी आप देख सकते हैं इसमें कौन से पिन पे कौन सी सप्लाई आ रही है, देख सकते हैं वी रेक सप्लाई, वी कॉइन सप्लाई, GPIO और CC1, UDC2, CC2, USB DMDP, पावर की सप्लाई, VBAT, VPH, पावर, बूट कैप, कंट्रोल, LDO कंट्रोल, ग्राउंड चार्जिंग, PMID, USB IN, USB IN के 3 पॉइंट, 4 पॉइंट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे AUX थर्मल बायस, बैटरी थर्मल, आई बैट सेंस पॉजिटिव, आई नेगेटिव, आई सेंस बैट सेंस, और ये क्रिस्टल की सप्लाई इन हो रही है, यहाँ से आउट हो रही है, इसका ग्राउंड है, यहाँ पे RF क्लॉक है बेसबैंड और वाईफाई के लिए, यहाँ पे भी देखते हैं RF क्लॉक, यहाँ से वी बैट सेंस पॉजिटिव सेंस नेगेटिव यहाँ पे है, बैटरी आईडी की लाइन यहाँ पे है, और बीबी क्लॉक बेसबैंड क्लॉक यहाँ पे है, देख सकते 3-4 पिन ग्रे कलर की बेसबैंड क्लॉक के लिए है, और यहाँ पे PWM इन यहाँ पे देख सकते हैं हैप हेडफोन के वगैरह के लिए। तो ये सारी सप्लाई स्लीप क्लॉक, बीबी क्लॉक, पावर ऑन, रीसेट, रीसेट नेगेटिव, फॉल्ट एंड PS होल्ड, केबल पावर, CBL पावर, SPMI क्लॉक, SPMI डाटा, सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। तो ये इस तरह का IC की डाटा शीट है PM660E। तो इसके अंदर बहुत कुछ है और भी, आप इसे ले सकते हैं, अच्छा टूल है अगर नॉलेज के लिए चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक टूल से ही आपका काम नहीं होगा, बहुत सारे टूल्स लेते रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें, और ये टूल लेना है तो ले सकते हैं आप, कहीं से भी लीजिए, मैं तो आपको रिव्यू बता दिया इसमें कि अगर चाहे तो आप ले सकते हैं, बहुत कुछ है इसमें, सारे डायग्राम से देख सकते हैं, इतने सारे सारे मॉडल्स इसमें दिए गए हैं, पोको वगैरह के, MI वगैरह के, रेडमी सीरीज। चलिए इसी तरह से और भी वीडियोस लाते रहेंगे फोनफिक्स हैदराबाद की टीम। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं इस तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।